जिला आयुष कार्यालय भवन सिवनी का लोकार्पण कार्यक्रम सिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन की अध्यक्षता में हुआ। दोपहर 2 बजे जिला मुख्यालय सिवनी के जिला चिकित्सालय परिसर में 93 लाख की लागत से नव निर्मित जिला आयुष कार्यालय भवन सिवनी का लोकार्पण कार्यक्रम राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार श्री राम किशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में हुआ। बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढालसिंह बिसेन मुख्य अतिथि सिवनी विधायक दिनेश राय मुर्मून की अध्यक्षता में और अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती मीना बिसेन भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों के आगमन पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात परिसर में बने भगवान धन्वंतरी में पूजा कर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की प्रतिमा का अनावरण तथा वृक्षारोपण किया गया। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। सिवनी के प्रभारी मंत्री के रूप में जब मुझे दायित्व मिला, घोषणा एक दिन पहले हुई और दूसरे दिन मैं इस सिवनी जिले में बैठक लेने आया था, तो मैंने देखा कि मुनमुन भैया सीधे अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं। अब मुझे भी डर लग रहा था उस समय कि कहीं मुनमुन भैया साथ में पकड़ के ना ले ले कि चलो भैया आपको भी चलना है अंदर, पर मैं हमेशा थोड़ा सुरक्षा के साथ में चल रहा था कि मुझे काम करना है, कहीं धोखे से मैं संक्रमित हो जाता तो मैं बैठ जाता और काम नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे समय पे आदरणीय मुनमुन भैया अपनी जान की चिंता न करते हुए भी अंदर जाते थे। उन्होंने सबसे पहले विधायक निधि का 1 करोड़ रुपया देने का काम किया जब हम नहीं किए थे। आपके माध्यम से हम सब लोगों को भी लगा कि जब मुनमुन भैया 1 करोड़ दे सकते तो फिर तो ये ऐसे समय पे काम करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक जी मंच पर विराजमान, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, जान बचाने में काम किया, क्योंकि यह समय ऐसा था जिसमें बेटा बाप को देखने नहीं जा रहा, बहू अपने पति को सास ससुर को देखने नहीं जा रही हॉस्पिटल में, घर में ठीक से उनसे साथ व्यवहार नहीं हो रहा था, भोजन कराने में आमने सामने आने में कतरा रहे थे लोग। अस्पताल में हम देखते थे आते थे, हमारा पूरा नर्स बहने, हमारे डॉक्टर, हमारे वार्ड बॉय स्वीपर और हमारे जिले के कलेक्टर सभी लोग, हम लोग लगातार देखते थे अंदर बाहर होना और मिलना, परिवार से मिलना। कुछ लोग तो ऐसे थे जो अकेले डले थे, जिनका कोई धनो धनी भी नहीं था। उसके बाद इलाज हुआ, स्वस्थ हुए और हम लोग समझते हैं कुछ लोग जो हमारे बीच में चले गए उनके भी अंतिम संस्कार में परिवार के बहुत लोगों ने मोड़ दिया। ऐसे समय में हमारे डॉक्टर, नर्स, हमारा जिला प्रशासन, और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिनको हमने एक छोटे छोटे से काम के लिए भी फोन लगाया, आधी रात को भी लगाया तो मुख्यमंत्री जी ने फोन उठाया और हमारे जिले में जो जिस तरीके से अप्रैल और मई में जो बाढ़ आई थी कोरोना की, जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे इससे निजात कैसे मिलेगा, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, उसी समय हमारे प्रदेश की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।